प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। डे टू डे लाइफ की स्टोरी नहीं है, नेक्स्ट डोर नेबर की स्टोरी नहीं है, ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि ओल्डरली वुमेन फॉल्स इन लव विद अ यंगर मैन और फिर हम उस प्यार को आगे भी ले जाते हैं। कई बार वो वहीं पे खत्म हो जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम बार हम आगे ले जाते हैं। और ऐसा कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए आई फील आई एम वेरी लकी, क्योंकि इतने सारे टीवी शोज में चार गिन के ऐसे शोज आते हैं जहाँ पे थोड़ी सी अलग स्टोरी बनती है, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। प्लस शादी के बाद एक अलग जर्नी शुरू होगी, वो सास बहू वाला शायद कम होगा बट कॉम्प्लिकेशंस दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच इतनी होगी क्योंकि एवरी नाउ एंड देन एज विल बी अ मेजर फैक्टर, तो एवरी नाउ एंड देन यू डील विद इट, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। थैंक यू। करण इज हैज बीन देयर ऑन वेरियस शोज मतलब इन्होंने और यहाँ यूथ चैनल्स पे काम किया है, एक स्टार का भी शो किया है, तो फाइनली वी चोज हिम प्योरली बिकॉज इस कम उम्र में एक एक सर्टन किस्म की अनइनहिबिटेड क्वालिटी होना, एक स्पॉन्टेनियस एक्टर जो बेबाक तरीके से अपने इमोशंस को अपनी अपने चार्म से अपने विट से अपनी हाजिर जवाबी से एक कैरेक्टर को बना सके, तो इस एक्टर में हमको वो सारी खूबियाँ लगी कि हैं, इसीलिए इनको हम मतलब वी आर लकी टू हैव हिम ऑन बोर्ड। सो करण, यू वांट टू जस्ट टेल अस, इज देयर एनीथिंग दैट यू फील होपफुली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स हैव सेड, इज समथिंग दैट इंस्पायर्ड यू अबाउट दिस पार्ट? तो बेसिकली काफी एक अलग ही तरीके से पूरा जर्नी चालू हुआ। तो मैंने बेसिकली जो शो की क्रिएटिव डायरेक्टर है पर्सिस मैम, उनको ऐसे ही मैसेज किया था अबाउट अनदर सीरीज हैपनिंग एंड शी जस्ट आस्क्ड मी व्हेदर आई एम ऑन ऑडिशन फॉर अ न्यू शो, सो एंड आई आस्क्ड व्हाट इज द प्लॉट, कि क्या है किरदार, क्या है क्या स्टोरी है, एंड शी सेड यू नो यंगर मैन यंगर बॉय ओल्डर वुमन, लाइक सुहासी जी सेड सम टाइम बैक कि ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं बनती, ऐसे ट्विस्ट बार बार नहीं आते लाइफ में, मे भी आते होंगे रियल लाइफ में, लेकिन ऐसी कहानियाँ बाहर नहीं निकलती। तो ये एक ऐसी कहानी है जो बाहर हम निकालना चाहते हैं, सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि लिसन, वी नीड टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, इफ इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी विद अ यंगर वुमन, व्हाई इज इट नॉट ओके फॉर अ वुमन टू बी विद अ यंगर मैन? द आइडिया इज टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन द एंटायर जर्नी ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। तो ये चीज़ मुझे आई मीन इट अट्रैक्टेड मी अ लॉट। उसके अलावा साहिल एक तरफ से मैं ही हूँ, मुझे लगता है कि एज अ परफॉर्मर आई थिंक आप जितना नज़दीक अपने किरदार की तरफ जा सकते हैं, जितना एज फार एज यू कैन बी हिम इन रियल लाइफ ऑल्सो, यू वन हाफ ऑफ द प्लॉट ओवर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरफ से साहिल ही हूँ, घूमते रहता हूँ यहाँ वहाँ, फ्रिवोलस लाइफ में, इनकॉरिजिबल, सुधरना है मुझे कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन फिलहाल ज़िंदगी चल रही है तो वाई नॉट, लेट्स गो विद द फ्लो। तो एक अलग ही नज़रिए से देख रहा हूँ मैं शो को, विच इज़ वेरी फ्रेश, लाइक शी सेड डजंट हैपन अगेन एंड अगेन, ऐसे शोज बार बार नहीं बनते। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, एंड आई रियली थैंक जी, आई रियली थैंक सुकेश जी, मौतिक जी ओवर देयर, माय टीम शशांक सर, पर्सिस मैन, एवरीवन हूज एसोसिएटेड विद द टीम ओवर हियर, एंड एवरीवन हूज हियर, लेट्स होप यू गिव अस सम लव and more gratitude, and yeah, we hope we can entertain you guys. Thank you. Thank you, Geeta ji, एक बहुत बहुत veteran actress हैं, मेरी favorite actress रह चुकी हैं, बहुत अच्छे shows इन्होंने हमारे साथ जी के साथ भी किए हैं, और तो ये एक तरह से समाज को represent करती हैं इस show में, जो समाज आज भी इन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करता, और जो समाज आज भी सवाल उठाता है कि भाई ऐसे इतनी एज गैप के साथ कैसे होगी शादी, वो भी एक औरत जो विडो है, जो सिंगल मदर है, क्योंकि एक चीज़ जो हमारे शो में अलग है वो ये भी है कि 15 साल की बच्ची है एज की, तो वो एक और एक बहुत पहलू है जो इस शो को। तो मैं गीता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएँ कि आपको क्या लगा इस शो को, आप बड़ी अम्मा का रोल कर रही हैं, ये हीरो के ताई जी का रोल कर रही हैं जो घर को चलाती हैं एक
तरह से। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस घर में भी एक औरत है जो घर को चला रही है, बट वही औरत जब एक दूसरी औरत को देखती है तो वो क्या नजरिया होता है पेट्रियार्कल सिस्टम के ये इस पहलू को भी देखना। जी हाँ, एक तो मैं जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे शोज मुझे दिए, मौका मिला अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने का। और ये जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ बड़ी कंजर्वेटिव है, अथॉरिटेटिव है, अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ देखा है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती है जो गलत हो, और उसी के अगेंस्ट ये लड़ाई भी करेंगी। बस मैं एक लाइन अपनी तरफ से पर्सनल लेवल पे बोलना चाहती हूँ कि हमेशा सवाल औरत पर उठाया जाता है, नहीं ये बड़ी है, इसका ये प्रॉब्लम, अलग अलग सवाल होते हैं। पुनर्विवाह जैसे हमने किया था एक शो, उसमें दूसरी शादी नहीं हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र दराज औरत है और उसकी उसको दूसरी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद ने 45 साल की उम्र में शादी की है और मेरे दो प्यारे प्यारे भी 9 महीने के बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें मेरी सास बहुत सपोर्टिव रही है, तो नज़रिया आप धीरे धीरे बदल रहा है, तभी बदलेगा जब ऐसी चीज़ें हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो मैं लकी हूँ इस शो के साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों का प्यार भी चाहिए। चार्ल्स हैं जो खान से वो हाफ द गर्ल के साथ रोमांस करते हैं। सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर जो खान से बॉलीवुड की खान से और अक्षय कुमार है वो हाफ द गर्ल्स के साथ रोमांस करते हैं, और आपने कभी ये सोचा कि ये कहानी हो सकती है लव रोमांस हाफ एज की? आपको कब लगा कि आपको लगा कि ये चल पाएगा हैज अ बिजनेस स्ट्रेटजी? देखिए खान के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, दे आर खान, दे आर सुपरस्टार, ऑल खान फॉर दैट मैटर, एनी सुपरस्टार इज अ सुपरस्टार, एक्सेप्ट करने की बात होती है, उनको हमने सबने एक्सेप्ट किया है तभी तो इतनी जोर शोर से फिल्में चलती हैं। इट्स अ मेक बिलीव एंड ऑफ द डे। अब रहा सवाल क्या ये कहानी चलेगी, तो मुझे तो मैं कम से कम पिछले 18-20 साल से टेलीविजन में काम कर रहा हूँ इन एनी कैपेसिटी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से मैंने काम शुरू किया और अभी मैं जी टी वी में काम कर रहा हूँ। आज तक एक भी प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये कह नहीं पाया और कह नहीं पाऊँगा कि ये शो ज़रूर चलेगा या नहीं चलेगा। एक कह सकता हूँ शो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका क्वालिटेटिव आस्पेक्ट मैं कह सकता हूँ, ये शो अच्छा बना है, ये कहानी बहुत अच्छी बनी है, इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से उभर के आए हैं। वो कोई जैसे हमारे राइटर ने कहा कि ये कोई प्लॉटलेड कहानी नहीं है, इसमें कोई एक ड्रामा बाहर से एक तड़का मारो ऐसी ये कहानी है नहीं, ये कहानी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से प्रोग्रेस होने वाली कहानी है, उसमें एक ठहराव है, उसमें इनहेरेंट एक ड्रामा है ही, क्योंकि उन दोनों के एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है और उसमें भी पति के वय से बहुत ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है पत्नी की उम्र, तो एक इनहेरेंट एक ड्रामा है ही उसमें और कुछ अलग से ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सिंगल पेरेंट है, उसकी 15 साल की बेटी है और 24 साल के उम्र के एक नौजवान से उनकी शादी हो रही है, दिस इज गुड इनफ ड्रामा। अब ये सवाल आता है कि इस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में किस तरीके से इन दोनों की जर्नी होगी, एंड दैट इज वेरी मच एक्साइटेड। शो बन कैसा रहा है, कहानी बन कैसी रही है, बहुत क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी बन रही है, अब उसका सक्सेसफुल होना ना होना आप पे और दर्शकों पे निर्भर होगा। हेलो, या माय क्वेश्चन टू सुहासी, ओ या सुहासी, सिंस यू एक्ट, या यू आर डूइंग दिस रोल, हाउ चैलेंजिंग वाज दिस रोल फॉर यू? Because of the this written by Ms. Mamta, who is a single mother, but you're not. So how challenging was the role for you to do this? सबसे बढ़िया पार्ट यही हो गया है कि I have become a mother, क्योंकि जी का जो शो था यहाँ मैं घर घर खेली उसमें मैं माँ बनी थी, लेकिन माँ बनने के रियल लाइफ में माँ बनने के बाद जो आप पोर्ट्रे कर सकते हो वो बहुत बहुत डिफरेंट है जो आप बिना माँ बने पोर्ट्रे करें, और वो जो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एक माँ और बेटी के बीच में
जो समाज व्हेन यू बिकम अ मदर हाउ एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट यू वो सारी चीज़ें मैं अभी फील कर सकती हूँ. तो सिंगल मदर तो मतलब वो उस एस्पेक्ट पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन एज अ मदर एंड अ डॉटर हाउ आई कैन रिलेट इज इट्स ब्यूटिफुल. आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव बिकम अ मदर एंड एट द सेम टाइम दे हैव ऑफर्ड मी दिस रोल. थैंक यू. Sukesh, you have highlighted the theme in this no license to love. Legally speaking, there is no problem once the boy and girl are above 18 years. तो इसमें आपने क्या ऐसे treatment किया है where you are highlighting the theme as no license to love? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम कानपुर में मतलब हमने नॉर्थ के एक शहर में ये शो सेट किया है. अब नॉर्थ या वेस्ट या साउथ ईस्ट जो भी है हमारे देश में कोई परसेंटेज तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से चलते हैं. हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं. अब उन्हीं वैल्यूज़ में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी और कुछ चीज़ें बहुत रूढ़ीवादी हैं, बहुत नैरो हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं. तो वो जो आप एक तरह से जब जी का ये लाइन ही है आज देखेंगे कल, दिस ब्रांड इटसेल्फ जो ब्रांड फिलॉसफी है जी की वो ये कह रही है कि आप उन चीज़ों को दर्शाओ जो सोसाइटी में नए ट्रेंड्स, जो सोसाइटी में अच्छी चीज़ें जेंडर इक्वालिटी को लेकर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें दोनों जेंडर्स के बीच में जस्टिस भी रहे, इक्वालिटी भी रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये नो लाइसेंस टू लव वाली बात है ये बिल्कुल करेक्ट फिट बैठती है. क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे आदमी भी बड़ा है और ऐसी शादियाँ बहुत समाज में देखी हैं, लेकिन इस शो में ये वाली एंगल है कि भाई एक सिंगल मदर 42 इयर्स 15 साल का बच्चा विडो हैं, अब उनको और एक यंग लड़के को अगर प्यार हो जाए तो क्या क्या सवाल समाज करेगा. तो आई थिंक दैट इज वेयर क्या लाइसेंस जो है वो कभी भी लीगल नहीं होता. लाइसेंस वो होता है जो आप अपने दिमाग के अंदर भी झांक के पूछ सको कि क्या मेरे में इतनी करेज है कि मैं इतने सारे सामाजिक क्वेश्चंस, क्या मेरे में इतनी करेज है कि मैं अपनी सास को नजर मिला के बात कर सकूंगी, मेरी सास को मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. मतलब आज तो ऐसी चीज़ों में तो ऑनर के लिए हो जाती है, मतलब कुछ समाज के कुछ सेक्शंस में. तो वो एक सारी चीज़ें आई थिंक हमारे लिए ये लाइसेंस वर्ड उसी कॉन्टेक्स्ट में आया कि क्या इन बेचारों को लाइसेंस मिलेगा. हेलो, मेरा सवाल सुहासी से था. सुहासी, एक एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है वो अपनी एज को ज़्यादा बताए, क्योंकि उसके बाद उसको फिर कम उम्र के रोल मिलने थोड़े उसकी संभावना कम होती है. आपको कितना रिस्क लगता है क्योंकि आप 42 साल वाली महिला का रोल कर रही हैं और उसके बाद और ये जैसे सीरियल आगे बढ़ेगा आपकी उम्र और बढ़ेगी, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी आपके पास चांसेस कितने होंगे? जब मैं पहले आई थी टीवी में तब ये मेरे लिए सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि अब मैं अगर माँ बन गई तो फिर मुझे माँ के ही रोल्स मिलेंगे. लेकिन मैं माँ बन चुकी यहाँ में घर घर के लिए में, उसके बाद मैंने और दो शोज़ किए, उसके बाद अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए. ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि यू प्ले अ रोल ओल्डर देन व्हाट यू आर. हम हमेशा ही अगर सेम एज या सेम चीज़ से रिलेट करते रहे तो हमारे लिए कोई चैलेंज ही नहीं बचता है. सो दिस इज़ आई वुड टेक अ चांस, आई वुड डेफिनेटली टेक अ चांस टू प्ले एन ओल्डरली रोल, नॉट थिंकिंग अबाउट कि अगर इसके बाद मुझे ग्रैंडमा बना दे तो आई वुड रियली नॉट. दिस इज़ अ बेटर चैलेंज फॉर मी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. 13 साल से इंडस्ट्री में है आपने, साउथ की दो फिल्में भी की हैं हालांकि वो रिलीज नहीं हो पाई. कुछ एक्ट्रेस जो है तो हुई थी आपने शायद नहीं, मेरी जानने में जो थी वो रिलीज नहीं हो पाई थी अंदर. तो कई एक्ट्रेस ऐसे हैं जो टीवी से फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, क्या आप फिर से आपका रुझान फिल्मों की तरफ रहेगा? टीवी मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है, मैं बहुत खुश हूँ टीवी से. मुझे ऐसा लगता है कि टीवी से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम रोज़ उनके घर पे जाते हैं. और जितना मुझे टीवी से मिला है, घर घर के लिए से मिला है या मैंने जो भी शोज़ किए वो
जितना मुझे रिस्पॉन्स मिला है आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड. ऑफकोर्स कुछ आएगा देन ऑफकोर्स मैं ये तो नहीं बोलने वाली कि मैं टीवी में खुश हूँ मुझे फिल्म नहीं करनी, बट आई एम वेरी हैप्पी हियर. तो आगे तो देखते हैं जो होता है. When you are doing this deal with her, with a double of your age or whatever, 15 years more than your age. It's amazing. Yeah, like, when you are in love, I don't think you think about how old someone is or what their body is like, whether they have wrinkles or nothing of that sort. I think you are just blindfolded and that's never a question. I think there's never been a problem, but since I'm acting it out, it's real and there's a real situation as well. But me as a person in general, as Karan, also will never ever have any qualms about falling in love with someone old, because I think that's just love. Pyar mein kya age, kya hai, I mean, for me that's totally illogical. So in real life, you'll not do the same thing? If it happens, why not? Why stop yourself? You should never stop yourself from feeling right. That's what I feel. Karan, have you ever been in a May-December romance? No, I haven't. Basically, age is no bar for you if you fall in love. Yeah, absolutely. It's just about feeling right. I'm sure there's a reason why something within ourselves says, listen, let's go for it. Because, you know, it just feels right. I don't know where you're sitting, but I hope you feel the same. Yeah. Sorry. Is this only for the serial you're talking about to make the serial or that real thing? No, this is who I am. You can ask whoever I know who is close to me. This is who I am as a person. Main hoon aisa. Friends, do we have any further questions? If not, then we're going to go ahead with the photo op. I request the remaining entire cast to please join us. I'm going to take out, we already have Vedika and Sahil up on stage. We have Badi Amma too. Now, moving to Hetal Gada, who plays Arya. Come on. We have Richa Bhattacharya, who plays Manjula. She's Vedika's mom. We have Resha who plays Gauri, Sahil's sister. We have Sailesh who plays Deepak, Sahil's brother-in-law. And we have Anjana, Rudrakshi who plays Anjana, Sahil's mom. I request the photographers to step forward. Do you all need the chairs from behind to be taken off? We can do that. I request the entire team to step forward a little bit so that they get a nice, yeah, a slight semicircle kind of thing. Yeah, a semicircle, a huddle. Let's form a slight curvature here. Yeah, we get a nice circle. Preeta, you're not up with us because, please join us up. As a part of the photo op, Preeti, yes. Mautik, where is Mautik?